हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुबीना एंड वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। एंड माय टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट स्किन पिगमेंटेशन। और इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करे हैं दो ऐसे इफ़ेक्टिव फेस पैक जो कि आपकी स्किन में, अगर स्किन पिगमेंटेशन का इशू है आपको, आपकी स्किन टैन हो गई है, तो ये आपकी स्किन पर बहुत अच्छे से काम करेंगे। साथ ही ये आपकी स्किन में एक बहुत अच्छा हेल्दी ग्लो देंगे और आपकी स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि स्किन पिगमेंट क्या होता है एंड स्किन पिगमेंटेशन डिसऑर्डर इफेक्ट द कलर ऑफ आर स्किन। अगर आपको आपका स्किन टोन धीरे धीरे डार्क लग रहा है, यानी आपके नेचुरल टोन से आपका स्किन टोन धीरे धीरे डार्क हो गया है, या हो सकता है आपके स्किन में ब्राउन या ब्लैक कलर के पैचेस आपको दिखाई देते हों, हो सकता है फोरहेड पे हों, चिक्स पे हों या चिन पे हो, आपके स्किन में कहीं पर भी ये दिखाई दे सकते हैं, तो ये सब स्किन पिगमेंटेशन के अंदर आता है। यानी हमारे फेस पे कोई भी अनइवन टोन के जो पैचेस होते हैं वो स्किन पिगमेंटेशन के अंडर आते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सडनली हमें स्किन पिगमेंटेशन का इशू क्यों होने लग जाता है। सबसे पहले हमारे स्किन में एक नेचुरल पिगमेंट होता है जिसे कहा जाता है मेलानिन। मेलानिन एक नेचुरल पिगमेंट है दैट गिव्स टू कलर आर आईज, आर स्किन एंड हेयर। अगर किसी भी एक्स वाई जेड रीज़न से मेलानिन अनहेल्दी रहता है या डैमेज होता है तो हमें स्किन पिगमेंटेशन का इशू होने लगता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके कॉजेस के बारे में कि क्या रीज़न है जिसके वजह से हमें स्किन पिगमेंटेशन का इशू हो जाता है या ये स्टार्ट होने लगता है हमारे स्किन के ऊपर। तो सबसे पहला जो कॉमन रीज़न है वो है सन एक्सपोजर। ज़्यादा आप सन के कॉन्टैक्ट में जाएंगे और सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको उतना ज़्यादा स्किन आपका टैन होगा और आपको पिगमेंटेशन का इशू बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल अपने माइंड में रखिए कि जब भी आपको बाहर जाना है तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है, क्योंकि सनस्क्रीन आपके स्किन को प्रोटेक्ट करके रखती है यूवी रेज से। एंड सेकेंड रीज़न हो सकता है कि आप पुअर डाइट ले रहे हो, लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड विटामिन्स की कमी से भी हमें स्किन पिगमेंटेशन का इशू होने लगता है। तो जितना हो सके अपनी डाइट को हेल्दी रखिए, अपने खाने में बहुत सारी वेजिटेबल्स लीजिए, कैरेट लीजिए, स्वीट पोटैटो लीजिए यानी शकरकंद लीजिए, और साथ में पीस खाइए और ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए। ये सब चीज़ें आपकी स्किन को हेल्दी रखेगी और एक हेल्दी डाइट आपकी स्किन को एक अच्छा हेल्दी ग्लो देगा। सो थर्ड रीज़न जो है वो है स्मोकिंग। और हम सबको पता है कि जो स्मोकिंग है वो काफ़ी अनहेल्दी है हमारे लिए, उनमें काफ़ी टॉक्सिन होता है जो कि हमारे स्किन में प्री मैच्योर रिंकल्स और अर्ली एजिंग को स्टार्ट कर देता है। साथ ही ये आपकी स्किन में पिगमेंटेशन को भी काफ़ी बढ़ाता है, आपको आपकी स्किन में डिफरेंट कलर के पैचेस दिखाई देने लगते हैं। हो सकता है वो आपके माउथ एरिया के पास हो, या आपके लिप्स ब्लैक होने लगे हों, या आपके नोज़ के पास हों। नाउ अनदर रीज़न कि हमें स्किन पिगमेंटेशन का, वो ये हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत सारे लोगों को, जो लेडी होती हैं उन्हें स्किन पिगमेंटेशन का इशू स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं जिसके वजह से कई बार वो हमारे स्किन में पिगमेंटेशन आने लगती है या हमारी स्किन में एक ब्राउन ब्राउन कलर के पैचेस दिखाई देने लगते हैं। बट प्रेगनेंसी के केस में कई बार कुछ मंथ्स के बाद वो जो स्किन पिगमेंटेशन है वो फेड भी हो जाता है। अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए बहुत ज़्यादा पानी पीजिए और अपनी स्किन को बाहर से भी हाइड्रेट रखें, उसके लिए अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना ना भूलें। अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ नहीं करते या बहुत कम पानी पीते हैं तो आपकी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाएगी, आपको स्किन में क्रैक्स दिखाई देंगे और आपको खुद दिखेगा कि आपका जो स्किन टोन है वो धीरे धीरे ड्राइनेस की वजह से भी कई बार उसमें पिगमेंटेशन होने लगता है और अलग अलग तरीके के पैचेस दिखाई देने लगते हैं। एंड नाउ अदर रीज़न हो सकता है कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल हो और वो आपकी स्किन को डैमेज कर रहा हो। बहुत ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ करने से हमारी स्किन डैमेज होने लगती है, हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के स्पॉट्स आ जाते हैं। सो यहाँ पर जो मैं आपके साथ फेस पैक शेयर करने जा रही हूँ, ये दोनों ही फेस पैक बहुत अच्छे हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं और आप फर्स्ट अप्लाई में ही देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका कोई भी एरिया स्किन का जो पिगमेंटेड है आप वहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप इसको पूरे फेस पे भी अप्लाई करते हैं तब भी आपको एक बहुत अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये आपकी स्किन को एक बहुत अच्छा हेल्दी ग्लो देंगे और जितना भी आपके स्किन में भी एक पिगमेंटेशन या टैनिंग है उसको फेड करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए अपना फेस पैक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ओट्स और मैंने 1 स्पून ओट्स लिया है। इसमें धीरे धीरे पानी डाल के इसको लो फ्लेम पे पकाना है जब तक एक गाढ़ा पेस्ट हमें ना मिल जाए। तो जो ओट्स है वो बहुत माइल्ड एक्सफोलिएटर है,
सबसे पहली चीज़, अगर आपकी स्किन में पिंपल है, आपकी स्किन सेंसिटिव है, आप कोई भी नया एक्सफोलिएटर यूज़ करते हैं या कोई स्क्रब यूज़ करते हैं और आपकी स्किन में रेडनेस आ जाती है और रैशेज आ जाते हैं उनको यूज़ करने से, तो आप ओट्स को यूज़ कीजिए। ये बहुत अच्छा और बहुत माइल्ड एक्सफोलिएटर है, आपकी स्किन को ब्राइट करने में भी यानी पिगमेंटेशन को दूर करने में भी हेल्प करेगा। तो ओट्स के कुक्ड होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेस्ट मिलेगा। सेकेंड इन्ग्रीडियंट है वो है लिकोरिश पाउडर, और लिकोरिश पाउडर एक बहुत वंडरफुल हर्ब है। ये अगर आप अपनी स्किन पे लगाते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, साथ ही आप इसको अपने खाने में लेते हैं तब भी ये आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। जो लिकोरिश पाउडर है वो आपके पिगमेंटेशन है अगर आपको, तो आपकी स्किन में से उसको रिमूव करने में, साथ ही आपकी स्किन को लाइटनिंग करने में और एक बहुत अच्छा सा ग्लो देने में हेल्प करेगा। आपकी स्किन में ब्लैमिशेस हैं, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डेड स्किन है, तब भी ये आपकी स्किन में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। सो वन स्पून ऑफ कुक्ड ओट्स एंड वन स्पून ऑफ लिकोरिश पाउडर को अच्छे से मिक्स करें विद हेल्प ऑफ रोज वाटर, और कुछ इस तरीके का आपको पेस्ट मिलेगा। इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करें। तो यहाँ पर हमने इन दोनों चीज़ों को आपने देखा अच्छे से मिक्स किया और रोज़ वाटर के साथ, और इसको अप्लाई कर दिया। इस फेस पैक को लगाएंगे तो ये थोड़ा बहुत टपकेगा, पर थोड़ी देर बाद ये नॉर्मल हो जाएगा, और आप थोड़ी देर के लिए इसको अपने फेस पे रखिए, और फिर जब ये ड्राई हो जाए तो सर्कुलर मोशन पे अपने फेस पे इसको रब कीजिए और नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। आप फर्स्ट ही अप्लाई में देखेंगे कि आपको एक बहुत अच्छा सा इसमें रिजल्ट मिलेगा, आपको आपकी स्किन काफ़ी क्लीन नज़र आएगी, और जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाएंगे आप इसका इफ़ेक्ट अपनी स्किन के ऊपर ज़रूर देखेंगे। सो दिस इज़ सेकेंड फेस पैक, और इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 स्पून ऑफ राइस फ्ला और 1 स्पून ऑफ बेसन। नाउ मैं इसमें इंक्लूड करूँगी 2 स्पून ऑफ पोटैटो जूस। तो सबसे पहले मैंने पोटैटो के पीसेस ग्राइंडर में डाले और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया, उसके बाद उसे छाना और मुझे ये लिक्विड मिल गया। इनको अच्छे से मिक्स कीजिए। नाउ अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 स्पून हनी। अब आपको इन सबको अच्छे से मिक्स करना है और आपका सेकंड फेस पैक रेडी हो गया है। आपने देखा कि मैंने किस तरीके से ये सेकंड फेस पैक बनाया, और बात कर लेते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स की और इसके बेनिफिट्स की। तो इसमें सबसे पहले मैंने यूज़ किया है राइस फ्ला, और जो राइस फ्ला है वो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, राइस जो होता है वो हमारे स्किन टोन को ब्राइट करने में हेल्प करता है, ये प्रमोट करता है स्किन लाइटनिंग को, साथ ही ये आपके स्किन में जो अर्ली एजिंग होता है उसको से आपको दूर रखता है, और आपकी स्किन में बहुत अच्छे एक्सफोलिएटर की तरह भी काम करता है। सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है बेसन, और जो बेसन है सबसे पहली चीज़ वो सब घर में अवेलेबल रहता है, दूसरा इसके अपने बहुत से फ़ायदे हैं, हम इसको आज नहीं बहुत टाइम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, और जो बेसन होता है वो आपके फेस में एक नेचुरल ग्लो देता है, साथ ही आपके फेस में अगर एक्ने का इशू है तो उसको नहीं बढ़ने देता है, इन्फेक्शन फ्री रखता है आपके फेस को। इंग्रेडिएंट है वो है पोटैटो जूस, और पोटैटो जूस को कहा जाता है नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट, और ये आपकी स्किन पे इतने अच्छे से काम करता है कि आपकी स्किन में कोई भी पुराने दाग धब्बे स्पॉट उन सबको दूर कर देता है, और आपकी स्किन को स्पॉट्स फ्री रखता है, आपकी स्किन में अगर कोई भी पुराना स्टबन टैन हो गया है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। पोटैटो जूस के अपने बहुत से फ़ायदे हैं, आप इसको ऐसे भी स्किन में लगा सकते हैं, आपकी स्किन को क्लीन करने में बहुत अच्छी तरीके से, आपके स्किन टोन को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। नाउ जो अदर मैंने इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ किया है वो है हनी, और हनी आपको एक्ने फ्री स्किन देता है, साथ ही आपकी स्किन में जो एक नेचुरल लस्टर है उसको बनाए रखता है, आपकी स्किन का एक नेचुरल ग्लो को बनाए रखता है। इन सबको मिक्स कीजिए, फेस पे अप्लाई कीजिए। सो यहाँ पर ये है हमारा फेस पैक, और अब मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। अब ब्रश की हेल्प से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, आप इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पे और अपने नेक पे अच्छे से अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद इसको आपको कम से कम अपने फेस पे 15 मिनट्स के लिए रखना है, फिर उसके बाद ड्राई होने के बाद सर्कुलर मोशन पे रब करते हुए इसको वॉश कर लेना है। ये जो दोनों फेस पैक हैं आप इनको वीक में 2 बार ट्राई कर सकते हैं या लगा सकते हैं, 2 बार इसको लगाइए। इन दोनों में से आप किसी को भी लगा सकते हैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, पिंपल हैं, तो आप ओट्स वाला यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन एक नॉर्मल स्किन है और आपको किसी भी तरीके का ये इशू नहीं है तो आप राइस वाला भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ही बेनिफिशियल हैं और आपकी स्किन के लिए
बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे आपकी स्किन के ऊपर। एंड नाउ दिस इज एलोवेरा फेस पैक और ये भी आपके पिगमेंटेशन या आपकी स्किन में टैन है तो बहुत अच्छे से काम करेगा। यहाँ पर मैंने लिया है 1 स्पून से थोड़ा सा कम एलोवेरा जेल और साथ में मैं इसमें मिक्स करूँगी सेम क्वांटिटी में हनी। जितना आपने एलोवेरा जेल लिया है उतना ही आपको हनी लेना है। अब यहाँ पर आपको इसमें मिक्स करना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। अच्छे से इसको मिक्स कीजिए और आपका फेस पैक हो गया है रेडी और आप इसको डेली भी अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कीजिए और अपने स्किन पे अप्लाई कीजिए। आप इसको डेली भी लगा सकते हैं, ये आपकी स्किन में पिगमेंटेशन को दूर करेगा, बहुत अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे फेस पैक बनके तैयार हैं, बस आपको अप्लाई करना है अपने फेस पे और अगर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे तो आप को इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव फेस पैक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए यूज़फुल रही हो और तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड लास्ट में बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।